रिकॉल, उसके बाद रिकॉल में अब यहां समझिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार समझ लीजिएगा काम हो जाएगा। रिकॉल और इनिशिएटिव को एक ही साथ एक ही लहजे में समझेंगे, बस दो मिनट आपको दे रहा हूं, सिर्फ एक काम करो, जो टेबल से पहले वाला, जो कल का टेबल है और आज वाला, बस दो मिनट दे रहा हूं उसके, एक बार खाली देख लो क्योंकि सबका इस्तेमाल एक बार आएगा, दो मिनट बस देख लो ठीक है। अभी मैंने थोड़ा सा ध्यान से देखना, उसको छोड़ना मत। ओके रिवाइज कर लिया, चलिए अब देखिए थोड़ा रिकॉल और इनिशिएटिव देते, ठीक है ध्यान से देखिए, इसको एक साथ समझेंगे और फिर रेफरेंडम और प्लेबिसाइट को एक साथ समझ लेंगे, ठीक है। क्यों, देखो रिकॉल का मीनिंग है, हिंदी में बोल रहा हूं, जब गवर्नमेंट को डायरेक्टली या किसी भी ऑफिसर्स को, किसी भी मंत्री को डायरेक्टली बोला जाए कि आप ऑफिस छोड़ दीजिए, सुनना ध्यान से, यहां पे लोग डायरेक्ट बोल रहे हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी पढ़ा रहे हैं, और डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या है कि जब लोग डायरेक्टली बोलते हैं किसी चीज को करने के लिए, किसी चीज को नहीं करने के लिए, सुन रहे हो, तो पहले जो बोल रहा हूं उसको एक बार लिख लो फिर समझा देता हूं। आप एक कैंपेन का नाम सुने हो जो बीच में बहुत चला था, #MeToo, #MeToo कैंपेन चला था, जिसमें MeToo कैंपेन में चला था कि सबसे पहली एक सेलिब्रिटी जो अमेरिका में बोली थी कि उनके साथ गलत व्यवहार और हैरेसमेंट हुआ था, मोलेस्टेशन हुआ था, उन्होंने ये कैंपेन कर दिया ट्विटर पे, एक साइट बनाया उस पर लिखा, जिसमें बोला कि जो भी महिलाएं जिनके साथ कोई भी छेड़खानी हुई है, चाहे ऑफिस में, चाहे घर में, चाहे कहीं पे भी वर्क प्लेस पे, तो सर वो लोग इस मुहिम के साथ जुड़े। ये इतना पॉपुलर हो गया कुछ समय में, और उसमें बहुत बड़े बड़े लोगों पे आरोप लगा था, नाना पाटेकर से लेकर हर किसी पे, बहुत लोगों पे आरोप लगा कि सर इन लोगों ने गलत व्यवहार किया है, बहुत से लड़कियां इंडिया के भी कितने सारे सेलिब्रिटीज ने, बहुत सारे हीरो पे, प्रोड्यूसर पे, डायरेक्टर पे, बहुत सारे इल्जाम लगाए कि हमारे साथ ऐसा एक ना एक बार हुआ। मेरी बात समझ में आ रही है, बट इंटरेस्टिंग बात समझिएगा, MeToo का मीनिंग है कि हमारे साथ भी मोलेस्टेशन, गलत व्यवहार हुआ है। ये इतना पॉपुलर हो गया कि एक हमारे लीडर है MJ अकबर, सुनना ध्यान से, ये सर मंत्री हैं इंडिया के, प्लस MJ अकबर साहब बहुत बड़े जर्नलिस्ट भी हैं, पत्रकार भी हैं, राइटर भी हैं, बहुत रेपुटेटेड आदमी हैं। इन पे एक फीमेल ने, और वो सेलिब्रिटी ही हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि MJ अकबर साहब ने हमारे साथ हरासमेंट किया है। मेरी बात समझ में आ रही है, लोगों ने डायरेक्टली बोला MJ अकबर को कि ऑफिस छोड़ दीजिए और आप अपने पोजिशन से रिजाइन करिए। तो जब लोग डायरेक्टली किसी को बोले कि आप अपने आप का त्याग कर दीजिए, उसी को बोलते हैं सर रिकॉल। मैंने जरूर उसके हिंदी में लिखा है कि फिर से बुलाना है जो कुछ, बट उसका मीनिंग आपको समझना है कि रिकॉल का सिंपल मीनिंग है कि जब लोग खुद बोल दे किसी भी मंत्री को या किसी भी ऑफिसर को कि आप अपना पद पोजिशन छोड़ दीजिए, तो उसको क्या बोलेंगे हम, रिकॉल। फिर से बोल रहा हूं, क्या बोलेंगे, रिकॉल। आप हिंदी मीनिंग एक बार लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे, खड़ा कर ले लीजिए जल्दी से, इंग्लिश में, हिंदी में लिखे, लोगों ने अगर लोग जब बोले कि आप रिजाइन कर दें, लोग जब बोले कि आप रिजाइन कर दें, इंग्लिश में लिख लीजिए, when the public asks for a public office, when the public asks, ठीक है, asks for a public official or public office to resign, it is called क्या recall, ठीक है। example लिखिए, example 1,
एग्जाम्पल वन, एग्जाम्पल वन लिखिएगा ऐसा ही सेम हैशटैग ये बनाइएगा मीटू कैंपेन मीटू अभियान और एग्जाम्पल में लिखिएगा एमजे अकबर 2014 में 2014 में एमजे अकबर 2014 में मंत्री थे, जर्नलिस्ट भी हैं लेखक भी हैं सब नहीं है, उन पर हरासमेंट का आरोप लगा और काफी लोगों ने विद्रोह किया और एमजे अकबर को बोला कि आप रिजाइन कर दें और उनको रिजाइन करना पड़ा, ठीक है उनको रिजाइन करना पड़ा। एमजे अकबर नाम है ना, एमजे अकबर क्या है 2014 में मंत्री भी थे, जर्नलिस्ट भी थे, सब कुछ थे, पत्रकार भी थे वो पहले से थे और इन पे हरासमेंट का आरोप लगा मीटू कैंपेन के द्वारा। नाम आपको इंपॉर्टेंट नहीं कि किस लड़की ने लगाया किस सेलिब्रिटी ने लगाया और उन्होंने आरोप लगाया तो एमजे अकबर को रिजाइन करना पड़ा। तो ये कौन सा केस हुआ, रिकॉल का हुआ कि प्लेबिसाइट का हुआ, ये आपको बस जानने के लिए जरूरी, इसलिए मैं एग्जांपल बता रहा हूं, अदरवाइज भूल जाइएगा आप, बाकी कोई और लॉजिक नहीं है। अगर आप ये नहीं भी याद रखते हैं कोई तकलीफ नहीं है, रिकॉल अगर आपको पता है तो सीधा। रिकॉल का मीनिंग क्या है, जब जनता खुद बोले किसी पब्लिक ऑफिस को या पब्लिक ऑफिशियल्स को कि आप रिजाइन कर दें तो सर क्या बोलेंगे उसको, रिकॉल बोलेंगे। और पब्लिक ऑफिस क्या है, सर सीधा बोलेंगे कि ये डिपार्टमेंट पूरा खराब है, ये ऑफिस ही बंद कर देना चाहिए, मेरी बात समझ में आ रही है। तो इसलिए जब ऑफिस या ऑफिशियल्स को उसको बोला जाए रिजाइन करिए, और सर जनता ने यहाँ डायरेक्ट बोला कि इनडायरेक्ट, डायरेक्ट बोला सर, डायरेक्टली बोले इसलिए तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी बोल रहे हैं, तो रिकॉल का मीनिंग यहाँ तक क्लियर, क्लियर है जी। आप एक और सुनोगे और सिर्फ 2G घोटाला 3G घोटाला नाम सुनोगे, एक और एग्जांपल 2 में लिखेगा 2G स्कैम, स्कैम मतलब होता है घोटाला, तो सर बहुत सारे घोटाले हुए 2G 3G 4G AG OG LOG सुनोजी समझ रहे, सर सब घोटाले हुए इतना सारा घोटाले हुए, कुछ दारा घोटाला सॉरी दाना घोटाला चारा घोटाला भूसा घोटाला इतना सारा घोटाला ही घोटाला सर इंडिया में, घोटाला के अलावा अच्छा चीज भी हुआ है लेकिन सर क्या करें घोटाला ज्यादा हुआ, इसे घोटाला जल्दी याद आ जाता है। 2G स्कैम, एक नाम लिख लीजिए इसमें ए राजा, इनका नाम है सर हम नहीं बोल रहे हैं, ए राजा, ए राजा। तो ये सर ए राजा को लोगों ने बोला कि सर आप 2G स्कैम घोटाले में, ये कम्युनिकेशन मिनिस्टर सॉरी इसमें थे, आपको उन्हें लिखना है, ये लिखिएगा ए राजा को बोला गया रिजाइन कर दीजिए, रिजाइन कर दीजिए। कौन बोला, हम बोले कि लोग बोले, लोग बोले। इसी तरीके से बहुत सारे स्कैम हुए, कोल स्कैम सर कोयला घोटाला समझ रहे आप। फिर वह होता बुफे स्कैम, बुफे स्कैम में भी सोनिया गांधी को बोला गया था कि अपना सरकार जल्दी से गिराइए और सरकार गिर गई थी, तो लॉजिकली कहने का मीनिंग क्या है सर, सीधी सी बात है कि जब पब्लिक डायरेक्टली बोलती है किसी चीज को कि आप रिजाइन कर दें तो उसको क्या बोलेंगे, रिकॉल। क्लियर है यहां तक, आइए इस पे इनिशिएटिव, पहल, नाम में ये सर पहल है। पहल क्या होता है, जब कुछ आप सोच के करते हैं या कुछ आप करना चाहते हैं, नया पहल नया मुहिम कुछ आइडिया है उसको क्या बोलेंगे, पहल। पहले पॉइंट लिख लीजिए इंग्लिश में, व्हेन द पब्लिक, पहले बोलो इंग्लिश में लिख लो, व्हेन द पब्लिक डायरेक्टली, व्हेन द पब्लिक डायरेक्टली ask the government, when the public directly ask the government to execute a policy, execute ex to padha chuka hu phir bhi execute, to execute a policy, ab hindi mein likh lo, jab log sarkar ko डायरेक्टली बोलें कि आप इस पॉलिसी को लागू कीजिए, भावनाओं को समझा समझना, शब्दों में नहीं, जब जब लो लो ऐसा नहीं कहते, सिंपल जब बोले तो पूरा सेंटेंस को समझ जाओ, जब लोग खुद बोले गवर्नमेंट से कि आप इस पॉलिसी को बनाइए, याद करिए अन्ना हजारे के नाम सुने आप लोग, कुछ लोग तो पता नहीं कहां रहते हैं दुनिया में, हमको तो समझ ही नहीं आता है, खाली टीवी देख रहे थे, टीवी में खाली फिल्म देखते हैं, दिशाम दुसुम सनी देओल अजय देवगन, सर कुछ काम का चीज देखिए, अब आप काम का चीज नहीं देखेंगे तो काम ऐसे भी नहीं। देखिए अन्ना हजारे ने एक बिल बोला था करप्शन बिल, इन्होंने बोला था कि इतना करप्शन फैल गया इंडिया में कि सर इन्होंने पूरी तरह से विद्रोह किया और उन्हीं अन्ना हजारे का देन है कि आज कोई सीएम बना हुआ है, मेरे पास और कोई और नहीं हमारे अरविंद केजरीवाल साहब है सर, सबसे अच्छा और सबसे अच्छा कोई भुनाया काम तो यही, अन्ना हजारे तो कहीं गायब हो गए और सीएम सर प्रोटोकॉल में, सर मजाक तो था नहीं, आफ्टर ऑल अरविंद केजरीवाल एक आईएएस ऑफिसर थे,
IRS से काम, IIT खड़गपुर से पढ़ा हुआ बंदा है, मजाक तो काम है। तो इसने सर देखा कि करप्शन के आड़ में हमारा अपना भी राजनीति सक्सेसफुल हो जाएगा, बट उसके लिए तो हिम्मत चाहिए ना सर, उसके लिए मेहनत चाहिए। भूखा था बेचारा, वीडियो देखा पतला का लकलक, कोई जैसे ढा दिया तो गिर जाएगा। कहने का भी नहीं क्या है, अन्ना हजारे ने जबरदस्ती गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाया और सीधा क्या बोला कि सर आपको ये बिल लाना पड़ेगा। तो हमने पहल को क्या बोला गवर्नमेंट से कि आपको इस पहल को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, इस पॉलिसी को, इसलिए क्या बोल रहे हैं इनिशिएटिव। एग्जांपल लिख लीजिए जल्दी से, अन्ना हजारे लिख लीजिए, अन्ना हजारे आंदोलन, अन्ना हजारे आंदोलन और गवर्नमेंट को, मतलब इसमें अन्ना हजारे आंदोलन लिख लीजिए, हाईलाइट करके लिख लीजिएगा। इसमें क्या था कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन, इसका मेन मुद्दा था, आंदोलन का मेन मुद्दा ये था कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन, भारत जो है करप्शन के विरोध में है, और इसीलिए जन लोकपाल बिल, लिख लीजिए ये, लिख लीजिए जरूर, इस आंदोलन के तहत जन लोकपाल बिल को गवर्नमेंट को पास करना पड़ा। इस आंदोलन के तहत जन लोकपाल बिल, जन लोकपाल बिल गवर्नमेंट को पास करना पड़ा। क्लियर है यहां तक? तो हम यहीं तक आज बताएंगे, रेफरेंडम और प्लेबिसाइट आज नहीं बताएंगे। गवर्नमेंट जन लोकपाल बिल, जन लोकपाल, जन लोकपाल, अरे इतना तो लिख ही लीजिएगा, नहीं लिखो हमें, जन लोकपाल बिल लिख लो, जन लोकपाल, ये तो सर चम्मच वाला हाल हो जाएगा, चम्मच से सर खोल के पिला दीजिए चांदी के चम्मच से, ठीक है? इतना भी मानसिक रूप से अच्छी बात नहीं है, इतना सब कुछ सब बोलना, ठीक है? आपके मानसिक गुणवत्ता के लिए ठीक बात नहीं है, खुद से लिखा करिए। चलिए अब मैं एक बार रिपीट करो, सुनो, रेफरेंडम और प्लेबिसाइट कल बताऊंगा, कारण है उसका, क्योंकि उन दोनों को एक कॉन्टेक्स्ट में बताऊंगा और इन दोनों को एक कॉन्टेक्स्ट में हो गया। अब अपने टेबल से पहले कुछ बातें हैं उसको ध्यान से समझ दो, पूरा पॉलिटी में जो लोग क्लास किए जो लोग नहीं किए एक बार मैं जहां तक पढ़ाया रिवाइज कर देता हूँ, लास्ट बार है ये, इसके बाद सीधा मतलब सीधा शिक्षक जाएगा, और शिक्षक कहने का सिंपल मीनिंग है कि सर एकदम तेजी में निकल जाएगा, उसके बाद कुछ बचेगा ही नहीं, आप लोग इतना हो गया इसलिए पीछे का पलट के देख लीजिए, लास्ट टाइम आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, सुन लो, लिख लो पहले, पहले पीछे अपने नोट्स को खाली पलटो, तो थीम वन से पूरा पलटो क्विक तेजी में, चलो कॉपी लाया, थीम वन से जो फर्स्ट क्लास था उस फर्स्ट क्लास से खाली नोट्स को पलटते जाओ और देखते जाओ कि कुछ ध्यान आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार मारो पूरा, सरसरी निगाह से उसको ध्यान से देखना। देखिए पूरा क्या है सर, आप देख लो, हम देखेंगे तो नींद आ जाएगा। अरे देखने के लिए जानबूझ के बोल रहा हूँ, कम से कम देख कर देखो कि कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, एक एक चीज पूरा का पूरा एकदम, मतलब बोलते हैं ना दिमाग में एकदम पूरा पिक्चर चलना चाहिए, रटा हुआ नहीं होना चाहिए कि संविधानवाद क्या है, तो सर ले लिए किताब कॉपी, संविधानवाद संविधानवाद उसको कहते हैं, उसको कहते हैं जिसमें ये, अरे भाई रट्टू तोता लो, जीवन बीत जाएगा। अभी रुकेंगे थोड़ा देर, साउथ अमेरिका करके जाएंगे सभी लोग, ठीक है? हरवाटे है ना किसी को, जल्दी छोड़ दूंगा मैं, लेकिन साउथ अमेरिका करके जाएंगे, पूरा का पूरा ये चलता ही रहेगा, जो भी न्यू बैच है, जो भी बच्चे जो आने वाले हैं, जो आएंगे जो नहीं भी आएंगे, फिर भी 11 बजे के बाद कॉन्टिन्यू बैच चलता रहेगा। मेरी बात समझ में आ रही है?
और आपको उसमें मैप फिर आईआर फिर सारा पार्ट चलता रहेगा शुरुआत से बिल्कुल स्क्रैच से, उसमें सारा डिटेल बता दूंगा आपको, तो उसको कर लीजिएगा आप लोग ताकि आपको कभी दिक्कत होता है कवर हो जाएगा। चलिए देख लिए पूरा, तो पूरा देख लिए, तो मुझे कोई एक ऐसा आदमी है जो मुझे पूरे एक टॉपिक को सिर्फ बैठ गया, क्योंकि अभी मैंने सबको मौका दिया है, तो मैं एक आदमी जरूर बोल रहा हूँ लेकिन मैं पूछूंगा किसी से भी, जितना आप पढ़े हो मुझे आप डायरेक्टली समझा सके, सर हम ये पढ़े ऐसा पढ़े ऐसा पढ़ते जाए, पूरा टॉपिक को हल्का हल्का बताते जाना है। कौन बता देगा? हाँ खड़े, अच्छा पूछेंगे तब बता देंगे, ऐसे नहीं बताइए। क्या बोले सर, ऐसे तो हम किसी को नहीं बताते। चलो मान लो मैं एक बार करा देता हूँ, समझना ध्यान से, कहानी की तरफ जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे याद रखो, वैसे याद रखा करो, थीम याद रखो, लॉ याद रखो तो ओरिजिन ऑफ लॉ, पॉलिटी पॉलिटिकल साइंस गवर्नेंस याद रख लो, उसके बाद लॉ का ओरिजिन क्यों हुआ है, उत्पत्ति क्यों हुआ है, उसके अगर इंडिया में लॉ है तो रूल ऑफ लॉ है कि रूल ऑफ मैन है, और रूल ऑफ लॉ है तो रूल ऑफ लॉ में ग्रेटर है तो क्यों है, तो चार पॉइंट याद रहेगा वो, तो चार पॉइंट बार बार इतना बार जिक्र कराऊंगा कि दिमाग में बस जाए कि उसके बिना नहीं हुआ। लास्ट क्लास जिस दिन पॉलिटिकल करा रहा हूँ ना उस दिन में रूल ऑफ लॉ में बोल रहा हूँ, इसलिए ध्यान दे लेना। यहाँ तक क्लियर है? आगे हम लोग बढ़े तो सर दो तीन चीज और बढ़े रूल ऑफ लॉ के बाद, कि मैंने आपको बताया जैसे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उससे पहले मैंने बताया कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अलग अलग बेसिस थे, किस किस टाइप्स पे थे, कि लॉ अगर है तो लॉ के अलग अलग टारगेट पे, इम्पैक्ट पे, उसके बाद इंटेंसिटी पे, फिर मैंने बताया कि कोई भी गवर्नमेंट सॉल्यूशन दो ही तरीके से दे सकती है, या तो लॉज बना के या स्कीम से, उसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। उसके आगे मैंने आपको टाइप्स बताया कि रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, अनरिटेन क्या होता है, जहाँ सिंगल डॉक्यूमेंट में लिखा गया हो, फिर मैंने आपको उसके अलग अलग बेसिस पे थे लॉज को, वो आप अपना देख लो ध्यान से। आगे बढ़ेंगे तो मैंने आपको बताया कि सर टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम भी है, गवर्नमेंट सिस्टम एक पॉलिटिकल बेसिस भी है, इकोनॉमिकल बेसिस है, पॉलिटिकल बेसिस पे आपका कौन कौन सा हो गया, डेमोक्रेसी, अनार्की। एनआरकी का मीनिंग सिंपल है जहां पे इलेक्शंस नहीं होता हो, डेमोक्रेसी का सिंपल मीनिंग है जहां पे इलेक्शन होता हो, डेमोक्रेसी का सबसे फर्स्ट नियम है कि वहां पे इलेक्शन होना चाहिए, ये सबसे पहला प्रावधान है। तो सर ये काम हो गया डेमोक्रेसी के अंदर, फिर दो आगे डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी मैंने पूरा समझा दिया आपको, जिसमें क्या था पहला प्रेसिडेंशियल, पार्लियामेंट्री और कौन सेमी प्रेसिडेंशियल, हेड ऑफ स्टेट कौन होता है, सेरेमोनियल हेड, हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट मान के चलिए, हेड ऑफ गवर्नमेंट को प्राइम मिनिस्टर मान के चलिए। तो सर प्रेसिडेंशियल में हेड ऑफ स्टेट बड़ा होगा कि हेड ऑफ गवर्नमेंट बड़ा होगा, प्रेसिडेंशियल में हेड ऑफ स्टेट बड़ा, सारा आप पढ़ाया हुआ भैंसा के ठेऊन में। अरे भाई मैं प्रेसिडेंशियल पूछा हूँ, वहां पे ऑलरेडी बोला कि हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट जो पावर है तो बराबर है, मतलब वहां प्रेसिडेंट ही तो होता है, प्राइम मिनिस्टर होता ही नहीं है, तो कहने का मीनिंग सिंपल है कि हेड ऑफ स्टेट क्या हेड ऑफ गवर्नमेंट, समझ रहे, सब उसी जोन में है। आप लोग की कुटाई जरूरी है क्या, कुटाई मतलब समझ रहे हैं आप लोग, मैं बहुत देखने में सीधा साधा लगता हूँ, कसम से बता रहा हूँ। लेकिन चलो क्या ही बोले यार, इंसान मतलब अच्छे इंसान है, पीटते नहीं है। आप ध्यान रखा करो, कम से कम शर्म किया करो, ठीक है। मेरा बात ही आपको इतना लगेगा ना कि आपको पिटाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो थोड़ा प्लीज क्लास में जो आप रहते अटेंटिव रहा करिए। नींद में हेड ऑफ स्टेट क्या है सर, हेड ऑफ गवर्नमेंट बड़ा, सर हेड ऑफ गवर्नमेंट बड़ा, उसके बाद जा गजब हाल है। हेड ऑफ स्टेट हेड ऑफ गवर्नमेंट का पावर है, पार्लियामेंट में क्या है, हेड ऑफ स्टेट भी है, हेड ऑफ गवर्नमेंट भी है, वहां पे दोनों के, बट सर उसमें अगर इलेक्टेड है मतलब कि प्रेसिडेंट इलेक्टेड है या मतलब डायरेक्टली चाहे इंडेक्टेड, तो क्या होगा रिपब्लिक, और अगर नहीं है इलेक्टेड तो क्या होगा मोनार्क, इसलिए इंडिया इज पार्लियामेंट्री रिपब्लिक एंड यूके इज पार्लियामेंट्री मोनार्क। सेमी प्रेसिडेंस के जहां तक सवाल है वहां पे दोनों को सेम पावर है, लेकिन किसी डिसीजन को लेने के लिए हेड ऑफ स्टेट ग्रेटर देन हेड ऑफ गवर्नमेंट है, इसलिए सेमी प्रेसिडेंशियल बोलते हैं। एग्जांपल क्या याद रखोगे, रशिया एंड श्रीलंका, एग्जांपल भी रखोगे तो याद आ जाएगा, याद है क्लियर है। फिर मैंने बताया डायरेक्ट डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी मैंने चार पॉइंट बताया, रेफरेंडम, उसके बाद मैंने रिकॉल, फिर आपको इनिशिएटिव प्लेजेस है, लेकिन अभी आपको मैंने समझाया कि रिकॉल को इनिशिएटिव के साथ कनेक्ट करना है। रिकॉल का मीनिंग सिंपल ऐसे ध्यान में रखना है कि रिकॉल का मीनिंग है जब पब्लिक डायरेक्टली बोले कि आप अपना ऑफिस छोड़ दीजिए, अपना त्यागपत्र दीजिए, रिजाइन दे दीजिए, एग्जाम्पल याद रखना एमजे अकबर का। दूसरा सर इनिशिएटिव का मीनिंग है जब कोई पब्लिक पहल करती है और उस पहल को डायरेक्टली गवर्नमेंट को बोलती है कि आप इस पॉलिसी को बनाइए, उसको क्या बोलेंगे इनिशिएटिव। सुनो ध्यान से, इसी तरीके का कुछ एग्जांपल अलग भी है, जैसे एक और एग्जांपल है जब निर्भया रेप के जो रेप कांड हुआ था उसमें रेप केस में ये हुआ था कि जब मैंने आपको बोला था क्रिमिनल और सिविल लॉ पढ़ा रहा था, तो मैंने बोला था कि क्रिमिनल लॉ बैड डेट पे लागू नहीं होता है, तो उसी समय लोगों ने ही बोला था और गवर्नमेंट ने भी लोगों से पूछा था कि हम एक लॉ भी बना रहे हैं, प्लस औरतों के और लड़कियों के सुरक्षा के लिए एक नया बिल आ रहा है,
तो इस बिल पे अपनी अपनी राय दीजिए। सर गजब उसमें लोगों ने समर्थन दिया और जरूरी भी था, और उस समय वो बिल पास होके फिर नया बिल आ गया कि कोई भी आदमी अगर क्राइम करता है तो उसको क्राइम के लिए सजा मिलेगा, ना कि उसके एज के अकॉर्डिंग सजा मिलेगा। मेरी बात सुन रहे हैं? तो उस समय क्या हुआ, गवर्नमेंट ने लोगों से पूछा, लोगों ने बोला। अब एक और बात, तो सर अब बच गया इसमें रेफरेंडम और एक बच गया प्लेबिसाइट। ये रेफरेंडम प्लेबिसाइट मैं कल बता दूंगा, और रेफरेंडम प्लेबिसाइट के साथ कल एक टेबल बताऊंगा, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको एक ही साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है जी। बाकी अभी एक बार एटलस चुपचाप निकाल लीजिए खटाखट जल्दी क्विक। और